हाई स्टूडेंट्स मैं मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू फार्मेसी तो आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं दैट इज द स्केलेटल मसल ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ठीक है जी सो लेट स्टार्ट विद इट मसल क्या होता है मसल हमारा एक पावरफुल टिश्यू होता है जो कि कंटेन करता है न्यूमरस फाइबर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी देखो हमारे मसल क्या है मसल एक बॉडी का पावरफुल टिशू है क्या है एक टिशू है मतलब काफ़ी सारे सेल्स को मिलाकर बना है जिसके अंदर न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट हैं क्या प्रेजेंट है फाइबर्स मतलब ऐसे ऐसे न्यूमरस फाइबर्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर जो कि क्या करवाते हैं मूवमेंट्स करवाते हैं हर तरह की बॉडी से हम चल सकते हैं हम कोई चीज़ उठा सकते हैं हम लेट सकते हैं हम खड़े हो सकते हैं ठीक है थीके? तो ये सारी मूवमेंट्स कौन हेल्प करते हैं मसल्स कराता कर है ठीक है फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स मतलब कितने तरह के मसल्स होते हैं ठीक है सबसे पहले आते हैं वॉलेंट्री मसल्स जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं ठीक है वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग चलते हैं मतलब जैसे मैं चाहती हूँ मैं कोई चीज़ उठाऊँ मैं उठा सकती हूँ ठीक है मैं चाहती हूँ मैं हाथ ऊपर करूँ हाथ ऊपर कर सकती हूँ हाथ नीचे करूँ नीचे कर सकती हूँ ठीक है एक उंगली आगे की तरफ कर सकती हूँ एक उंगली पीछे की तरफ कर सकती हूँ है ना तो ये मेरे मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं तो ये जो मसल्स आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव करते हैं उसे हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स क्या बोलते हैं वॉल्ट्री मसल्स ठीक है एग्जाम्पल में लिखा है फाउंड अटैच टू द स्केलेटन स्केलेटन से जो अटैच होते हैं हाथ पैर हमारे हैं ना हम अपने वॉल्ट्री मर्जी से मूव कर सकते हैं फिर आते हैं हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल्स जिनको हम अनस्ट्राइटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जो हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करते हैं हम अपनी मर्जी से वो वर्क करते हैं हमारी मर्जी से ना हम उन्हें रोक सकते हैं ना कुछ क्योंकि स्टमक के मसल्स हैं इंटेस्टाइन के मसल्स हैं रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको हम अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते वो सिस्टम अंदर ही चल रहा है हमारे ठीक तो है तो वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं हम इनवॉलेंट्री मसल्स ठीक है फिर तीसरे तरह के होते हैं हमारे कार्डिक मसल्स जो कि हमें हार्ट के मायोकार्डियम लेयर में पाए जाते हैं ठीक है थिके? तो ये तीन क्लासिफिकेशन है कौन कौन सी वॉलेंट्री जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलते हैं इन वॉलेंट्री जो हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं और थर्ड आ गया हमारे पास कार्डिक मसल्स जो हार्ट में प्रेजेंट है ठीक है फिर हमारे पास फंक्शन ऑफ मसल्स और मस्कुलर टिश्यू मसल्स का काम क्या होता है एक तो लोको ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं लोको मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है हमारे चलना उठना बैठना उसमें ये हेल्प करते हैं ठीक है फिर इन्होंने लिखा है द मसल्स मेक चेंजेस इन पोस्चर पोजिशन ऑफ द बॉडी जैसे हम मसल्स की हेल्प से खड़े हो सकते हैं लेट सकते हैं बैठ सकते हैं तो ये हमारा पोस्चर बॉडी का चेंज करने में पोजिशन चेंज करने में हेल्प करते हैं ठीक है मसल्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट हीट भी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है गर्मी भी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो मसल्स की हेल्प से ही होती है ठीक है द मसल्स हेल्प टू मेंटेन फ्लूड बैलेंस हमारी बॉडी में पानी की मात्रा या जो जो भी फ्लूड है ठीक है तो उसकी मात्रा भी कौन हेल्प uh, करता है कॉर्डिनेट करने में या मेनटेन रखने में वो होते हैं मसल्स ठीक है मसल्स फॉर्म वॉल्स और बॉडी कैविटीज सपोर्ट्स द ऑर्गन्स विद इन द कैविटीज जो कैविटीज़ में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उनको ये सपोर्ट देते हैं ठीक है और ये कैविटी बनाने में हेल्प करते हैं ठीक है मसल शेप देता है हमारी बॉडी को ठीक है एक आकार देता है बॉडी को ठीक है मसल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइन टिश्यू ऑफ द बॉडी जो हमारे इंटरनल टिश्यूज़ हैं बॉडी के उनको प्रोटेक्ट करके रखता है कौन हमारे मसल्स ठीक है और क्या करता है मसल मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय फोर्सफुल कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट जैसे कार्डिक मसल कार्डिक मसल्स हैं जब ये कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ब्लड को आगे से आगे आगे से आगे मूव करने में मूव करवाते हैं ताकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई हो सके ठीक है तो एक काम तो ये भी है कि ब्लड सप्लाई में भी हेल्प करते हैं ठीक है और क्या मसल्स हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड मेंटेन एसिड बेस्ड बैलेंस ऑफ द बॉडी ठीक है तो क्या है रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं सांस लेने में भी इंटरकोस्टल मसल्स हो गए डायफ्राम हो गया हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे ये मसल्स हेल्प कर रहे हैं तो वो भी मसल्स ही हैं तो वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ठीक है द मसल्स आर द एजेंट्स ऑफ ब्रेन बाई मीन्स ऑफ विच वी अटेंड शो द एक्सप्रेशन एंड फीलिंग मतलब मसल्स क्या हैं हमारे एजेंट्स हैं ब्रेन के जिनसे हमें पता लगता है क्या हम शो कर रहे हैं क्या हमारी फीलिंग्स हैं किसी को लेके तो वो सारा भी मसल्स का, का काम होता है तो मसल्स के देख लो कितने सारे काम है मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं पॉस्चर में हेल्प कर रहे हीट प्रोडक्शन फ्लूड बैलेंस में कैविटी बना रहा है ठीक है शेप दे रहा है अंडरलाइन टिश्यू की प्रोटेक्शन कर रहा है ब्लड ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है रेस्पिरेशन करवा रहा है और एक्सप्रेशन और फीलिंग्स में भी हेल्प करता है ठीक है फिर आते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स स्केलेटल वो कौन से थे हमारे वॉलेंट्री मसल्स कौन से थे वॉलेंट्री मसल्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलते थे है ना हमारी विल के अकॉर्डिंग ओके okay? अब क्या है द वॉल्ट्री मसल्स विच आर अटैच टू द स्केलेटन आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स वो वॉलेंट्री मसल जो कि स्केलेटन के साथ अटैच है उनको हम स्केलेटल मसल्स बोलते हैं उन्हें हम स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ट मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि उसमें ऐसे 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 करके लाइने स्ट्राइशंस डली हैं तभी हम उनको स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं ठीक है दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं ये ठीक है तभी इनको हम वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं द मसल फाइबर्स लाइन स्केलेटन एंड हैंड्स कॉल स्केलेटल मसल और जो मसल फाइबर स्केलेटन में होते हैं तभी इनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं ठीक है स्केलेटल मसल फाइबर्स आर रफली सिलेंड्रिकल शेप कैसे होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं दे आर स्मॉल बंडल्स ऑफ फाइबर्स इनक्लोज इन पेरीमाइसियम पेरीमाइसियम एक आउटर लेयर होगी तो उसके अंदर ये बंडल्स में अरेंज होते हैं ठीक है ईच फाइबर अटैच टू द फाइबरस टिश्यू इज कॉल्ड एंडोमाइसियम देखो जैसे पेरीमाइसियम ये हमारा टोटल हो गया एरिया जिसके अंदर ये लोग प्रेजेंट है ठीक है फाइबर्स प्रेजेंट है ये हमारा स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स हो गए ठीक है और जो हर आ, क्या कहते हैं ईच फाइबर जो कि फाइब्रस टिश्यू के साथ अटैच है उसे हम एंडोमाइसियम बोलते हैं ये हमारा एंडोमाइसियम हो गया ठीक है सार्कोलेमा क्या है एक फ़ाइन शीत है जो कि सराउंड कर रही है सार्कोलेमा इनकी एक आउटर लेयर है ये वाली आउटर लेयर को बोला गया सार्कोप्लाजम ठीक सॉरी सार्कोलेमा ये वाली ये दी सार्कोलेमा ठीक है ये नहीं है उसके बाद है ईच फाइबर शोज अ न्यूक्लियस एंड सार्कोप्लाजम हर एक फाइबर में न्यूक्लियस है सेंटर में हमें ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ये क्या है न्यूक्लियस है यहाँ से देख सकते हैं हम न्यूक्लियस है ठीक है और क्या है सार्कोप्लाजम मतलब इनके अंदर फ्लूड भी प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं सार्कोप्लाजम बोलते हैं दे लाइक पैरल टू इच अदर एक दूसरे से पैरल है ऐसे ऐसे अरेंज है ये ठीक है एंड शो ट्रांसफर्स लाइट एंड डार्क बैंड ऑल्टरनेटिवली और इनके अंदर ऑल्टरनेटिवली लाइट और डार्क बैंड देखो यहाँ लाइट बैंड है और ये डार्क बैंड है ठीक है तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड भी प्रेजेंट होता है स्केलेटल मसल्स में ठीक है तभी इनको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं अब फंक्शंस क्या देखो हमारी वॉलेंट्री विल के अकॉर्डिंग चलेंगे ठीक है तो क्या है दे टू कंट्रैक्ट एंड प्रोवाइड द मूवमेंट मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं बॉडी को थर्मोजेनेसिस थर्मो Thermo मतलब टेम्परेचर एंड जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन तो एक गर्मी हीट प्रोडक्शन में हमारी ये हेल्प करते हैं क्या है हीट प्रोडक्शन में हमारी ये हेल्प करते हैं पीछे पढ़ चुके हैं हम ठीक है शेप देता है बॉडी को और फ्लूट बैलेंस बना के रखता है ठीक है दीज आर द फंक्शन ऑफ वॉट स्केलेटल मसल फिर है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी सबसे पहला आ जाता है हमारे पास मसल टोन मसल टोन में क्या होता है मसल इज नेवर इन कंप्लीटली रिलैक्सड कंडीशन जो मसल है वो कभी भी पूरी रिलैक्सड कंडीशन में नहीं होता है ठीक है इंटरेस्टिंग पोजिशन बट इज़ ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ पार्शियल कंट्रैक्शन, एक पार्शियल कंट्रैक्शन की स्टेट में होता है हमेशा ठीक है ना कभी पूरी तरीके से रिलैक्स स्टेट में होता है ना कभी पूरी कंट्रैक्ट स्टेट में होता है उनके इन बिटवीन होता है ठीक है कि थोड़ा सा कंट्रैक्ट रहेगा वो ठीक है दिस इज नोन एज मसल टोन इसको हम क्या बोलते हैं मसल टोन बोलते हैं ठीक है मसल टोन इन स्केलेटल मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर ऑफ द बॉडी और ये चीज़ किस में हेल्प करती है बॉडी का पॉस्चर बनाए रखने में हेल्प करती है पार्शल कंट्रैक्शन ठीक है फिर आती है सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इज मसल फिटीक अब कहते हैं ना हम बार बार एक चीज़ को यूज करें तो वो बॉडी का पार्ट थक जाता है जैसे इफ अ मसल इज़ स्टिमुलेटेड फ्रीक्वेंटली टू कंट्रैक्ट अगर बार बार हम किसी चीज़ को कंट्रैक्ट करवा रहे हैं जैसे बार बार हम कोई हैवी चीज़ उठाई जा रहे हैं उठाई जा रहे हैं सारे दिन में तो उसका स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अब क्या है आपको बहुत जोश चढ़ा स्टार्टिंग में आपने 10 10 किलो की चीज़ें उठा के रखने स्टार्ट कर दी फिर आप इतना थक जाओगे बार बार वही काम करके फिर आप पाँच किलो पे आ जाओगे फिर आप दो किलो पे फिर कहोगे यार बस आज के लिए हो गया तो आपका रिस्पॉन्स टू वैर टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस धीरे धीरे करके कम हो जाएगा ठीक है फाइनली इट मे नॉट कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट बाय स्टिमुलेशन फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपके हाथ ही नहीं चलेंगे आप उठा भी नहीं पाओगे एक किलो का भी क्योंकि आप इतने ज्यादा थक गए हो ठीक है तो इस चीज को हम बोलते हैं मसल फटीक क्या बोलते हैं मसल फटीक फटीक होता है थकान क्या होता है थकान ठीक है अंडरलाइन कॉज ऑफ मसल फटीक के क्या क्या कारण होते हैं कॉज क्या हो गया क्या क्या कारण है कॉन्स्टेंट स्टमुलेन ऑफ मसल अगर आप बार बार किसी मसल को यूज़ कर रहे हो ठीक है इन एडिट ब्लड सप्लाई अगर उस जगह पर ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं हो रही है तो दीज आर द बेसिक कॉजे जिसकी वजह से मसल फिटीक हो जाता है फिर है रिफ्रैक्ट्री पीरियड रिफ्रैक्ट्री पीरियड क्या है कि आफ्टर द स्टमुलेशन ठीक है देर इज अ ब्रीफ पीरियड ड्यूरिंग विच मसल इज़ नॉट एक्साइटेबल टू सेकेंड स्टिमुलस दिस इज़ नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड अब क्या है स्टिमुलेशन के बाद जैसे आपने मसल से कुछ उठा रहे थे आपने काम किया ठीक है तो एक ऐसा पीरियड आएगा ठीक है जिसमें क्या होगा मसल एक्साइटेड होगा ही नहीं सेकेंड स्टिमुलस को दूसरे के लिए तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं ना बीच में यार आराम ले लेते हैं ठीक है फिर शुरू करेंगे तो दैट इज़ नोन एज रिफ्रैक्टरी पीरियड ठीक है फिर आता है मसल कंट्रैक्शन मसल कंट्रैक्शन के अगर हम इनफ स्टमुलस देंगे तो उससे मसल हमारे एक्साइट हो जाएंगे जब मसल एक्साइट होंगे तो वो कंट्रैक्ट होंगे और जिसकी वजह से वो फॉलो इमीजिएटली फॉलोड बाई रिलैक्सेशन तो उसको बोलते हैं मसल कंट्रैक्शन ठीक है एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी द स्केलेटल मसल एक्सटेंड्स व्हेन स्ट्रेच पता ही है अगर आपको हाथ जैसे कोई चीज़ दूर पड़ी आप अपना पूरा हाथ एक्सटेंड कर देते हो और उठाने के लिए कौन उठेगा जाएगा पूरा लेट लेट के हाथ लंबा लंबा कर करके उस चीज को उठाने की कोशिश करोगे ठीक है वैन टेंशन ऑन द मसल इज रिलीज जब टेंशन हट जाती है तो वो दोबारा से ओरिजिनल पोजिशन पर चला जाता है ये थोड़ी हाथ उतना ही लंबा रह जाएगा अपना आपका जितना करोगे ऐसा तो नहीं होता ना जब आप नॉर्मल अपने पोजिशन में रखोगे तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा तो इसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स है हमारे जो मसल्स हैं वो इलास्टिक है ठीक है कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या है आफ्टर स्टिमुलेशन वेव ऑफ कंट्रैक्शन स्टार्ट्स एट अ पॉइंट ऑफ स्टिमुलस एंड इज कंडक्टेड अलोंग द मसल फाइबर जैसे स्टिमुलेट देते हैं हम हम चाहते हैं कि हम वो चीज़ गिरी हुई उठाएं जमीन से तो एक वेव ऑफ़ कंट्रैक्शन चलेगी वो ये नहीं है आधे मसल में ही रह जाएगी वो पूरे मसल फाइबर में मूव करेगी ठीक है तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी स्केलेटल मसल्स की कौन कौन सी होगी मसल टोन कि हमेशा वो पार्शली कंट्रैक्टेड स्टेज में रहता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है एक वी कैन से दैट पॉस्चर बनाने में हेल्प होती है मसल फिर होता है बार बार हम यूज करेंगे तो मसल थक भी जाते हैं रिफ्रेक्ट्री पीरियड क्या है कि हम बीच में ब्रेक लेते हैं उसे बोलते हैं रिफ्रैक्ट्री पीरियड मसल कंट्रैक्शन क्या है कि मसल एक्साइट होते हैं कंट्रैक्ट होते हैं साथ के साथ रिलैक्स हो जाते हैं एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी के कि हम मसल को एक्सटेंड कर सकते हैं बट अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट उसके बाद जब हम बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे तो मसल भी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाएगा ठीक है और कंडक्टिविटी है कि जो स्टमेशन स्टमेशन के बाद जो वेव ऑफ कंट्रेक्शन है वो पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड होती है ना कि आधे में ठीक है अब है फेस मसल्स ऑफ तो फेशियल एक्सप्रेशन की जब हम फेस के एक्सप्रेशन बनाते हैं टेढ़े मेढे तो उसमें कौन कौन से हमारे मांसपेशिया मसल्स यूज़ होते हैं तो सबसे पहले ऑर्बिकुलरिजी ऑर्बिकुलरिस क्या है ये सर्कुलर मसल्स हैं ठीक है ठीके? सी यू से याद रखना सर्कुलर है जो कि हमारे आई को आई ऑर्बिट होती है ना हमारी आई सॉकेट्स होते हैं तो आई को जो सराउंड कर रहे हैं वो होते हैं ऑर्बिकुलरिस मसल फिर आते हैं हमारे पास ऑक्यूली मसल ऑक्यूली क्या होते हैं जो हमारे टिप के पास होते हैं जस्ट ठीक है फिर आते हैं लिवेटर ठीक है पालपी पालपीबरे सुपीरियर टू द रेज द आईलिड जहाँ हम अपनी पलखे आईलिड उठाते हैं वहाँ पर कौन सा मसल होता है लिवेटर मसल्स होते हैं ठीक है फिर आते हैं मैसेटर मसल्स जो कि मास्टिकेशन हम च्यू करते हैं नाम 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 तो उसके काम आते हैं ठीक है फिर आते हैं हमारे बकीनेटर फ्लैट मसल्स ऑफ नेक जो नेक के मसल्स हैं उन्हें बोलते हैं बकीनेटर ठीक है तो ये हमारे कुछ फेस के मसल्स के नाम गिवन थे ठीक है इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट फिर है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ न्यूरो मास्कुलर जंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे चैप्टर में यही और एक डिफरेंस बिटवीन है ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ठीक है न्यूरो मास्कुलर जंक्शन क्या है न्यूरो मास्कुलर न्यूरो न्यूरो हो गया हमारा रिलेटेड टू ब्रेन एंड और ठीक है और मास्कुलर हो गया हमारा रिलेटेड टू मसल तो ब्रेन और मसल का कोई जंक्शन दिस इज नोन एज न्यूरो मास्कुलर जंक्शन तो न्यूरो मास्कुलर जंक्शन का एक कनेक्शन बिटवीन एंड्स ऑफ द लार्ज माइलिनेटेड नर्व फाइबर नर्व फाइबर हमारी कहाँ से आती है ब्रेन से ही स्पाइनल कॉर्ड से ही ऑरिजिनेट होती है वहीं से ही ऑरिजिनेट होती है ठीक है तो नर्व फाइबर का और जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारे उनका जो जंक्शन है जैसे ये हमारा स्केलेटल मसल है ये हमारा नर्व फाइबर तो इनके बीच का जो ये जंक्शन बन रहा है उसे बोलते हैं हम न्यूरो जंक्शन ठीक है स्ट्रक्चर देखो न्यूरो जंक्शन का जैसे ये स्ट्राइटेड मसल फाइबर है ये हमारा मसल फाइबर है नीचे ठीक है तो ये हमारे क्या है ये हमारा इन टोटल जो है वो क्या है जो नर्व फाइबर्स हैं वो है ठीक है ये माइलिनेटेड नर्व है इनके यहाँ पे एक बिल्कुल टर्मिनेटेड एंडिंग होती है एक जोन आपने देखा होगा ऐसा सा होता है ठीक है इसके जस्ट एंड पे यहाँ पे नोब्स होते हैं ठीक है जो कि दूसरे नर्व फाइबर से अटैच होते हैं तो ये जो नोब होते हैं ना ये एक नोब ये है ठीक है दैट इज इसको हम बोलते हैं सोल ऑफ फीट बोलते हैं तो सोल ऑफ फीट और मसल के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट क्या बोलते हैं साइनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं ठीक है थेके? और ये हमारी सार्कोलेमा लेयर हो गई ठीक है अब देख लेते हैं अब न्यूरो जंक्शन का फिजियोलॉजी वर्किंग कैसे है या मसल कंट्रैक्शन कैसे होता है ठीक है वन ए नर्व इम्पल्स रीचेज द न्यूरो मास्कुलर जंक्शन जब भी कोई नर्व इम्पल्स है कोई मैसेज आया है ब्रेन से वो न्यूरो मास्कुलर जंक्शन पर पहुँचता है ठीक है द पैसेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल ओवर सोल फीट कॉजेज मैनी ऑफ द स्मॉल वेसिकल्स ऑफ एसिटाइल को लीन टू रापचर इन टू साइने साइनेप्टिक लेफ्ट ठीक है क्या होता है जो एक्शन पोटेंशियल है जो यहाँ से मूव करके आएगा अब सोल ऑफ फीट में पहुँच है अब सोल ऑफ फीट से क्या होगा इसका इन्होंने लिखा है कॉजेज मैनी ऑफ द स्मॉल वेसिकल्स ऑफ एसिटाइल कोलिन अब क्या है एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगा जैसे ये सर्कल सर्कल में दिखाए गए हैं ठीक है ये हमारे एसीटाइल कोलिन है काफ़ी सारे ये इसके अंदर से रिलीज हो जाएंगे ठीक है हो गए रिलीज अब क्या है और कहाँ आ जाएंगे सैनेप्टिक लेफ्ट में उस जगह में आ गए ना जो कि हमारी सोल फीट और स्ट्राइडेड मसल के बीच में सैनेप्टिक लेफ्ट ये वाला एरिया था वहाँ पर आ गए ये लोग ठीक है अब क्या है एसीटाइलकोलिन एक्ट्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू इंक्रीज इट्स परमियबिलिटी ये क्या करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ एक लेयर होगी उस पर एक्ट करेंगे ठीक है और जिसकी वजह से उसकी परमियबिलिटी ताकि ये अंदर घुस सके तो उसकी परमियबिलिटी बढ़ा देंगे ठीक है दिस इंटरनल ऑफ स्पॉन्टेनियस लीकेज ऑफ सोडियम कॉजिंग एंड प्लेट पोटेंशियल अब जिस जैसे ही ये परमिबिलिटी बढ़ाएंगे तो हमारे सोडियम रिलीज होने चालू हो जाएंगे ठीक है जिसकी वजह से एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ठीक है जब एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो जाए और बहुत ज़्यादा इनफ हो जाए ठीक है तो वो क्या करेगा एंटायर मसल फाइबर को स्टिमुलेट करेगा पूरे मसल फाइबर्स तक मैसेज को लेके जाएगा कि हमें ये चीज़ परफॉर्म करना है ठीक है वे नए एक्चुरल पोटेंशियल स्प्रेड इन साइड द मसल फाइबर जब वो पूरे मसल फाइबर में फैल गया तो कैल्शियम हमारा रिलीज़ हो जाएगा ठीक है इन टू द फ्लूड सराउंडिंग द फाइबर जो भी फाइबर्स हैं उनके सराउंडिंग में जो फ्लूड है वहाँ पर कैल्शियम रिलीज हो जाएगा ठीक है और हमें पता है कि जो कैल्शियम होता है वो कंट्रेक्शन करवाता कर है क्या करवाता है कंट्रेक्शन ठीक है अब दस ड्यू टू रिलीज कैल्शियम निकल गया मसल कंट्रेक्शन हो जाएगी ठीक है इमिजिएटली जैसे ही कैल्शियम निकला तो मसल कंट्रैक्शन हो गई ठीक है जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा पीछे से आना बंद हो जाएगा तो जो बचे हुए कैल्शियम आयंस हैं वो हमारे सार्को रेटिकुलम के साथ बाइंड हो जाएंगे और मसल जो कंट्रैक्शन को रोक के उनकी रिलैक्सेशन करा देंगे आई नो वेरी कन्फ्यूजिंग लेट्स रिकॉल इट वंस अगेन ठीक है क्या होता है जैसे ही हमारा कोई नर्व इम्पल्स आया ठीक है क्या हो गया कोई भी नर्व इम्पल्स हमारा आया ठीक है वो क्या करेगा यहाँ पे लिखा था नर्व इम्पल्स आया हमारा तो एक्शन पोटेंशियल में क्या होगा जो हमारा सोल फीट है सिंपली बताऊंगी जो हमारा सोल फीट है वहाँ से एसी टाइल कुल निकलेगा क्या निकलेगा एसी टाइल कुल निकलेगा और कहाँ चला जाएगा वो सनेप्टिक लेफ़्ट मतलब जो उनके बीच की जगह है वहाँ पर वो पहुँच गया सैनेप्टिक लेफ़्ट में वो पहुँच गया ठीक है वहाँ से क्या करेगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ाएगा क्या बढ़ाएगा उनकी परमियए बिलिटी उसने बढ़ाई जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ाई तो सोडियम निकल जाएगा जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ठीक है और वो हमारा पूरे मसल फाइबर में क्या हो जाएगा स्प्रेड हो जाएगा जैसे ही पूरे मसल फाइबर में स्प्रेड हुआ तो कैल्शियम निकलने स्टार्ट हो गए कैल्शियम क्या करवाएगा मसल की कंट्रैक्शन करवा देगा ठीक है जैसे ही जो हमारा एक्शन पोटेंशियल ओवर हो जाता है ख़त्म हो जाता है तो यही कैल्शियम हमारा सार्को रेटिकुलम के साथ बाइंड हो गए किसके साथ सार्को रेक्टिकुलम के साथ बाइंड होकर ठीक है हमारी क्या करवा देगा रिलैक्सेशन करवा देगा मसल की कंट्रैक्शन को स्टॉप करवा देगा तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है किसका जो फिजियोलॉजी वर्किंग है न्यूरोमासकुलर जंक्शन की और मसल कंट्रैक्शन की ठीक है दोबारा दोबारा पढ़ोगे आपको बहुत ईजिली लर्न हो जाएगा कुछ नहीं है इस फ्लो चार्ट से आपको थोड़ा जल्दी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज टफ लिखी है नथिंग एल्स बेसिक है कि नर्व इम्पल्स आई सोल फीट से एसीटाइल को ली निकलेगा सैनेप्टिक लेफ्ट में जाएगा परमेबिलिटी बढ़ाएगा सोडियम निकलेगा ठीक है मसल फाइबर में फैलेगा कैल्शियम निकलेगा कंट्रैक्शन होगी फिर जब ओवर हो जाएगा सब कुछ तो सारको रेटिकुलम के साथ कैल्शियम बाइंड होकर रिलैक्सेशन करवा देगा ठीक है अब हमारे पास लास्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड स्मूद मसल्स ठीक है स्केलेटल मसल्स हमारे पास कौन से होते हैं जो वॉलेंट्री जो हमारी मर्जी से मूव करते हैं और ये कौन से होते हैं इन जो हमारी मर्जी से मूव नहीं करते ठीक है ये हमें स्केलेटन के साथ लगे मिलते हैं ठीक है और ये अंदर वाले इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्लड वेसल्स एलवेलाई है लंग का रेस्पिरेटरी कैनाल है वहाँ मिलते हैं ठीक है इट वर्कस अंडर द कंट्रोल ऑफ विल हमारी मर्जी से चलते हैं वही चीज़ लिखिए ये हमारी मर्जी से नहीं चलते ठीक है द सेल्स आर रफ सिलेंड्रिकल इन शेप विद सेवरल न्यूक्लियस देखा था हमने पीछे इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और ये रफ होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं ठीक है और ये कैसे होते हैं स्पिंडल शेप के होते हैं इनके पास एक ही सेंट्रल न्यूक्लियस होता है ठीक है कंडक्टिविटी इज़ वेरी फास्ट क्योंकि इनके पास स्पेस है न्यूक्लियस काफ़ी ज़्यादा तो कंडक्टिविटी फास्ट होती है और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है स्लो होती है टोनी डिपेंड अपॉन नर्व स्टिमुलेशन जो इनकी टोनी है कितने टॉनिक होंगे ठीक है कैसा कंट्रैक्शन होगा वो नर्व स्टिमुलस पे डिपेंड करेगा और इनका भी डिपेंडेंट होगा नर्व स्टिमुलेशन पे ही ठीक है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज मैक्सिमम इन स्केलेटल मसल जो इनमें प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इनमें प्रोटीन्स क्या होते हैं कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करते हैं ये हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर वर्क करते हैं ठीक है इजी क्या है कि वॉलेंट्री है ठीक है अपनी मर्जी से चलते हैं स्केलेटन के साथ मिलते हैं रफ़ सिलेंड्रिकल होते हैं और काफ़ी सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं कंडक्टिविटी फास्ट होती है और टोनिसिटी नर्व स्टिमुलेशन पे डिपेंड करती है और इनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है सी एन के अंडर ये काम करते हैं और स्मूथ क्या है इनवॉलेंट्री है मर्जी से काम नहीं करता इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है ठीक है स्पिडल शेप होता है एक ही न्यूक्लियस होता है कंडक्टिविटी इसकी स्लो होती है ठीक है और परसेंटेज प्रोटीन की लेस होती है और ये ए के अंडर वर्क करता है ओके सो या दैट्स ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम होप आपको क्लियर हो गया एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो या एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग